हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम पे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की और उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि Z1 माइनस Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो Z1 अगर सपोज कर लिया जाए कि Z1 की वैल्यू X1 प्लस का आयोटा Y1 है और Z2 इज इक्वल टू है X2 प्लस आयोटा Y2, देन हमें मालूम है कि Z1 माइनस Z2 अगर लिखा जाए तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं इन मॉड X1 प्लस का आयोटा Y1 माइनस का X2 प्लस आयोटा Y2। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट कर लें, X1 माइनस का X2 रियल पार्ट ले लीजिए और प्लस का आयोटा Y1 माइनस Y2। ना अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो इस वैल्यू आएगी इन रूट ऑफ X1 माइनस X2 होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 होल स्क्वायर। और ये जनरली क्या होता है, आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो होगी इन रूट ऑफ X1 माइनस X2 होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करें कि Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस है, तो हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मॉड Z की जो वैल्यू थी, अगर मान लीजिए R है, मॉड जेड की वैल्यू अगर मान लीजिए आर है, तो इसको हम लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि जेड माइनस का 0 इज इक्वल टू आर। इसका मतलब है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की ओरिजिन से अगर डिस्टेंस देखी जाए तो वो वैल्यू क्या है, आर है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा जाए, ये मान लीजिए एक्स और ये वाई हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अगर इसे हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया एक्स एंड वाई, तो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से ऑलवेज कांस्टेंट रहती है और ये वैल्यू होती है आर। अगर ये केस बनता है तो ये पॉइंट कुछ इस टाइप से हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जेड को रिप्रेजेंट करें तो ये जो बनेगा, ये बनेगा लोकस ऑफ सर्कल। क्या बन सकता है, ये सर्कल बन सकता है। इसका मतलब ये है कि मॉड जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम कनेक्ट करें ज्योमेट्री से तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आर है, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात करें तो Z1 माइनस Z2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन रूट ऑफ X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 होल स्क्वायर। और इसी को हमने क्या किया, ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कर दिया कि मॉड जेड की जो वैल्यू है अगर आर के इक्वल है तो जेड को हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिन से कंपेयर कर सकते हैं। जेड की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से क्या लिख ली, आर, और जेड एक पॉइंट प्लॉट कर लिया कॉम्प्लेक्स प्लेन में और इसको हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर पाथ दिखा दिया और इसकी ओरिजिन से परमानेंट डिस्टेंस क्या दिखा दी, आर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 12 की, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। इनइक्वालिटीज जेड को अगर देखा जाए, हम लोग कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं तो जेड को हम लोग क्या दिखाते हैं कि जेड एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एक पॉइंट है। अगर हम इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहें तो वो ओरिजिन से अपर साइड में मूव करता है, ठीक है। तो अगर हम इनइक्वालिटी के बारे में बात करें कि अगर देखा जाए कि Z1 प्लस Z2 अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मान लीजिए अगर ये Z1 है और दूसरा कोई वेक्टर Z2 है और हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड, तो इस थर्ड को हम दिखा सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड Z1 प्लस Z2। ओके, बात समझ में आ रही,
ये ट्रायंगल अगर इनइक्वालिटी में अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड साइड की वैल्यू जो होती है सम ऑफ टू साइड से लेस होती है, सम ऑफ टू साइड से लेस होती है, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करना चाहें तो कंडीशन ये भी होती है कि जेड वन माइनस जेड टू दो साइड का डिफरेंस ऑलवेज भी लेस देन होता है थर्ड साइड के सम से, थर्ड साइड के इक्वल, ठीक है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसी प्रॉपर्टी को अगर हम जनरलाइज कर लें तो ये होगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस अप टू जेड एन ऑलवेज बी लेस इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस का मॉड ऑफ जेड टू अप टू मॉड ऑफ जेड एन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, थर्ड साइड इसकी वैल्यू ऑलवेज बी लेस देन सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड का डिफरेंस इसका हम क्या कर सकते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज बी लेस इक्वल टू द थर्ड साइड, एंड अगर इसको जनरलाइज कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, क्लियर। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर बेस्ट जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी अच्छे प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग द रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो एंड मॉड जेड इज इक्वल टू रूट थ्री, मतलब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फाइंड आउट करना है जिसके लिए कंडीशन दे रखी है। तो हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में, तो सोल्यूशन देखा जाए। अगर मान लीजिए जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका हमें क्या करना है कि रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट दिया हुआ है जीरो, तो जेड का मतलब ये हो गया कि जेड की वैल्यू है एक्स प्लस वाई, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का टू आयोटा एक्स वाई, ओके। नाउ जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू, या इसका रियल पार्ट अगर देखा जाए तो रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का टू आयोटा एक्स वाई और प्लस एंड जेड इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस आयोटा वाई और इज इक्वल टू दिया गया है जीरो, मीन्स ये हो गया कि अगर इसका रियल पार्ट देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसे फर्स्ट मान लीजिए, ये गिवन कंडीशन है। अगर हम इसके रियल पार्ट देखें तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई, ठीक है। और बात करते हैं एक कंडीशन और दे रखी है, मॉड जेड इज इक्वल टू रूट थ्री दिया हुआ है, तो मॉड जेड का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है थ्री, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया गया है थ्री दिया गया है। अच्छा हम लोग यहाँ से कुछ वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देते हैं थ्री माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक काम करते हैं इसको एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, ये ज़्यादा आसान होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो वी गेट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, नाउ फैक्टराइज दिस, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो वी गेट एक्स कॉमन टू एक्स प्लस थ्री माइनस वन टू एक्स माइनस प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो वी गेट एक्स माइनस वन एंड टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू वन एंड माइनस थ्री बाई टू, ओके। एक्स की वैल्यू आ गई, अगर एक्स की वैल्यू आ चुकी है तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू वन वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू, सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, एंड ऑफ ऑल एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू का थ्री माइनस नाइन बाई फोर, सो वी गेट थ्री बाई फोर, सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू। बस समझ में आ गई, तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस रूट टू हो गया, और अगर x की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू है तो y की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू, सो आंसर शुड बी z इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा वाई, सो वी गेट आंसर x इज इक्वल टू अगर 1 है तो x की वैल्यू अगर 1 है तो प्लस माइनस आयोटा के साथ क्या आ जाएगा
रूट टू आएगा, क्योंकि वाई का वैल्यू क्या है, रूट टू है। और जब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू है तो वाई की जगह पे आएगा प्लस माइनस आई रूट थ्री बाई टू। सो दिस वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए तो इसे कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, बात समझ में। तो कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते तो हमेशा हम लोग को जेड की वैल्यू को एज्यूम कर लेना होता है, और जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आयोटा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बात हो रही थी कि अगर जेड वन जेड टू जेड थ्री वर्टिसेस किसके हैं, ट्राइंगल ए बी सी के हैं, और मॉड जेड वन इजकल टू वन दिया हुआ है, मॉड जेड टू इजकल टू टू, मॉड जेड थ्री इजकल टू नाइन दिया हुआ है, और ये कंडीशन दी हुई कि नाइन जेड वन प्लस जेड टू प्लस नाइन जेड वन इंटू जेड टू प्लस फोर जेड वन जेड थ्री प्लस जेड टू जेड थ्री का मॉड इज इक्वल टू ट्वेल्व दिया हुआ है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम ओरिजिन। मतलब सेंट्रॉइड फ्रॉम द ओरिजिन बात करनी है। सेंट्रॉइड किसी भी ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, तो ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट तो सीधा से ये है कि अगर मान लीजिए ट्राइंगल ये दिया हुआ है और इसके वर्टिसेस जेड वन जेड टू और जेड थ्री दिए हुए हैं, तो इसका सेंट्रॉइड जो होना चाहिए, सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड को क्या लिख सकता हूँ बेटा, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री डिवाइड बाई थ्री। ये सेंट्रॉइड की पोजिशन होती है किसी भी ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है कि अगर मॉड जेड वन मॉड जेड टू मॉड जेड थ्री की वैल्यू दे रखी है, तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने देखा है कि होना क्या चाहिए था कि मॉड जेड वन की वैल्यू जो दी गई है वो इक्वल टू वन है, तो आपको मालूम है कि मॉड जेड वन स्क्वायर भी वन होगा, इम्प्लाई दैट जेड वन इंटू जेड वन बार इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, वन हो जानी चाहिए। सिमिलरली अगर बात करें कि जेड टू, तो मॉड जेड टू की वैल्यू क्या है, टू है, तो इसका मतलब है कि जेड वन जेड टू इंटू जेड टू बार इज इक्वल टू हो जाना चाहिए फोर। मीन्स नेक्स्ट अगर बात करें कि मॉड जेड थ्री की वैल्यू दी गई है थ्री, तो जेड थ्री इंटू जेड थ्री बार इज इक्वल टू हो जाना चाहिए नाइन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज की, प्रॉपर्टी यूज की है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन जेड इंटू जेड बार, ये प्रॉपर्टी का यूज किया गया, ठीक है। अच्छा हमारे पास वैल्यू जो दी गई है वो है मॉड ऑफ नाइन जेड वन जेड टू प्लस फोर जेड वन जेड थ्री प्लस जेड टू इंटू जेड थ्री इज इक्वल टू क्या है, ट्वेल्व है। चलिए तो अब हमें बात ये करनी है कि अगर इस वैल्यू को दिया गया है 12 और हमें पहुंचना है जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री के डिवाइड बाई थ्री तक, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास जो नाइन जेड वन दिया गया है, तो नाइन की जगह हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं जेड थ्री इंटू जेड थ्री बार, और ये होगा जेड वन इंटू जेड टू प्लस फोर की जगह क्या यूज कर सकते हैं, जेड टू बार इंटू जेड वन जेड थ्री प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी वन है तो वन का मतलब ये हो सकता है कि जेड वन इंटू जेड वन बार हो सकता है और जेड टू इंटू जेड थ्री हो सकता है, और इक्वल टू क्या दिया गया है, ट्वेल्व, ठीक है। मीन्स वैल्यू हमने रिप्लेस कर ली। अब रिप्लेस करने के बाद एक काम देख रहे हैं कि जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड वन जेड टू जेड थ्री ये हमें सबसे कॉमन मिल जाता है। मीन्स अगर हम बाहर कॉमन निकाल लें तो जेड वन जेड टू इंटू जेड थ्री ये मॉड बाहर निकल सकता है, और बचेगा हमारे पास क्या, जेड थ्री बार जेड टू बार और प्लस जेड वन बार इज इक्वल टू ट्वेल्व, ओके। अच्छा इसको हम लोग अगर देखें तो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं मॉड जेड वन मॉड जेड टू और मॉड जेड थ्री, और इसकी जो वैल्यू हो सकती है ये हो सकती है जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, इसका कंप्लीट बार कर सकते हैं इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वेल्व, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू जो हमें पता है, इसकी वैल्यू है वन इंटू टू इंटू थ्री, और ये हो सकता है मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व। मीन्स मॉड जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू हो सकता है टू, और एक्चुअल में हमें चाहिए था डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस जो चाहिए था वो फ्रॉम ओरिजिन चाहिए था। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, तो इसका डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन से होना चाहिए जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री होना चाहिए। तो अगर हम डिवाइड बाई थ्री कर दें तो मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू क्या जाना चाहिए, टू बाई थ्री, तो ये होगी इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है।
सिंपल है। तो अक्स कोसेंस जो आते हैं मॉड जेड वन अगर दिया गया है तो इसको हम लोग यूज जो करते हैं वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन इंटू जेड बॉल। ठीक है चलिए तो ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्लियर हो गया है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, विथ मॉड बीटा इज इक्वल टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। सिमिलरली जैसा कि क्वेश्चन आपने सेकेंड किया हुआ था, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि मॉड बीटा इज इक्वल टू वन दिया गया, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि बीटा इंटू बीटा बार की वैल्यू है वन, बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू वन। ठीक है प्रॉपर्टी कौन सी यूज की समझ बात आ रही है, प्रॉपर्टी यूज की है बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू बीटा बार। ठीक है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। ठीक है चलिए तो वापस मॉड बीटा और बीटा इंटू बीटा बार की वैल्यू क्या है वन दिया हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे काम करें कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई वन की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, हो सकता है ऐसा सिंपल है। अच्छा इन दोनों से हमें बीटा कॉमन मिल सकता है तो यहाँ से आएगा बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय बीटा कॉमन हो गया तो ये हो गया बीटा बार माइनस अल्फा बार। अंडरस्टैंड बहुत सिंपल। चलिए तो हम लोग बात करते हैं बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय यहाँ से बीटा बाहर निकाला जा सकता है मॉड बीटा हो सकता है और ये हो सकता है बीटा माइनस अल्फा कंप्लीट बार और इससे हम कंप्लीट मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि अगर जेड का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मॉड ऑफ जेड बार का मैग्नीट्यूड होता है, होता है। तो अगर हम देखें तो ये मॉड बीटा की वैल्यू होगी वन और ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो सकती है दोनों इक्वल हो सकते हैं, इसका मतलब है कि बीटा माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड अपॉन में बीटा माइनस अल्फा बार का मैग्नीट्यूड सेम होगा और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन आ जाएगी। मीन्स जो हमारी रिक्वायरमेंट थी बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए वन आना चाहिए। ठीक है बहुत सिंपल। ठीक है तो इसे कंप्लीट कर लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस इफ ओमेगा का बार दिया हुआ है मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वन दिया हुआ है वन माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा की वैल्यू ओमेगा दे रखी है देन सो दैट आपको प्रूफ करना है ओमेगा इज अ प्योरली रियल नंबर। अच्छा प्योरली रियल नंबर का मतलब क्या था, प्योरली रियल नंबर का मतलब होता है कि वो आयोटा से इंडिपेंडेंट होता है। अब आयोटा से इंडिपेंडेंट मतलब आपके पास जो भी एक्सप्रेशन ओमेगा की है उससे आई इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आई क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग के पास जो दिया गया है ओमेगा गिवन है मॉड ओमेगा इज इक्वल टू वन है मॉड ओमेगा इज इक्वल टू वन है एंड ओमेगा इज इक्वल टू गिवन है वन माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाय जेड माइनस आयोटा। ठीक है वन माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू ओमेगा। चलिए दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो मॉड ओमेगा इज इक्वल टू आ सकता है वन माइनस आयोटा जेड डिवाइड बाय जेड माइनस का आयोटा मैग्नीट्यूड, सिंपल। चलिए तो मॉड ओमेगा की वैल्यू क्या है वन है, हम इसको वन लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं वन। अच्छा मुझे एक चीज बताइए वन माइनस का आयोटा जेड का मैग्नीट्यूड हो सकता है ऐसा कुछ जेड माइनस का आयोटा हो सकता है। ठीक है और मॉड को इवेलुएट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू करिए जेड इंटू जेड बार जेड इंटू जेड बार। तो अगर मान लीजिए अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो स्क्वायरिंग बॉथ साइड कर लिया जाए स्क्वायरिंग बॉथ साइड तो हमें मिलेगा वन माइनस आयोटा जेड इंटू वन माइनस आयोटा जेड का कंप्लीट बार। ठीक है जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू हो सकता है यहाँ पे जेड माइनस का आयोटा हो जाएगा और यहाँ आएगा जेड माइनस आयोटा का कंप्लीट बार। बात समझ में आ रही जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार।
ठीक, अब देखते हैं, वन माइनस आयोटा जेड इंटू वन का कॉन्जुगेट वन माइनस आयोटा, तो आयोटा बार लगा सकते हैं, इंटू जेड के लिए भी जेड बार हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये होगा जेड माइनस का आयोटा इंटू जेड बार माइनस आयोटा बार, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइएगा, आयोटा बार, आयोटा कॉन्जुगेट क्या हो सकता है, आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस का आयोटा, आयोटा कॉन्जुगेट क्या हो सकता है, प्लस का आयोटा। अच्छा तो अगर हम इसको इस टाइप से लिखें कि वन माइनस का आयोटा जेड और वन प्लस का आयोटा जेड बार इज इक्वल टू हो सकता है जेड माइनस का आयोटा इंटू जेड बार प्लस आयोटा, चलेगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू आ गई वन माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड बार, इसकी वजह हो सकती है माइनस का आई स्क्वायर, मतलब हो जाएगा प्लस जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू, यहाँ से देखा जाए जेड इंटू जेड बार होगा माइनस आयोटा इंटू जेड बार होगा प्लस का आयोटा जेड होगा और माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस वन होगा, ठीक है। तो कुछ किसी कैंसिल हो सकती है, वन कैंसिल हो जाएगा, जेड इंटू जेड बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वैल्यू आएगी आयोटा जेड बार टू टाइम्स आयोटा जेड बार इज इक्वल टू टू टाइम्स आयोटा जेड, बस समझ में आई, आयोटा जेड और यहाँ पे आयोटा जेड, टू आयोटा कैंसिल, तो जेड इज इक्वल टू आ गया जेड बार। और ये ऑलरेडी हम प्रॉपर्टी पढ़ी हुई कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि जेड की वजह का जेड बार है, जेड इज इक्वल टू क्या है, जेड बार है, इम्प्लाइज दैट जेड इज प्योरली रियल नंबर, ठीक है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई, ओमेगा इज अ प्योरली रियल नंबर, तो ओमेगा इज अ प्योरली रियल नंबर, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जेड बार। तो कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू जेड बार होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बात होगी, चलिए तो ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, जेड इज अ प्योरली रियल नंबर, ठीक है, मिसप्रिंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बात कंडीशन दी गई है कि अगर मैग्नीट्यूड जो दिया गया है जेड वन बार माइनस टू जेड टू बार अपॉन टू माइनस का जेड वन जेड टू बार इज इक्वल टू वन दिया गया है और जेड टू इज नॉट इक्वल टू वन, देन प्रूव दैट मॉड जेड इज इक्वल टू टू, मॉड जेड वन इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि हमें दिया क्या गया है, जेड वन बार माइनस का टू जेड टू बार डिवाइड बाई टू माइनस का जेड वन इंटू जेड टू बार इज इक्वल टू वन है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन हमने किया कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू वन दे रखी थी, वहां पे भी मैग्नीट्यूड क्या आ गया था, वन आ गया था। तो सिमिलर प्रोसेस है बिल्कुल एज इट इज, कि अगर मान लीजिए कि मॉड जेड वन बार माइनस का टू जेड टू बार इज इक्वल टू कर दिया जाए कि टू माइनस का जेड वन इंटू जेड टू बार कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड दे दिया गया। नो मैग्नीट्यूड को सॉल्व करने का तरीका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। चलिए तो अब मुझे क्या मिलना चाहिए, जेड वन बार का माइनस टू जेड टू बार का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा टू माइनस का जेड वन इंटू जेड टू बार, इसका स्क्वायर। चलिए तो प्रॉपर्टी यूज क्या करनी है, जेड बार इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बस समझ में आई। तो अब इस क्वेश्चन में स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद आपको पता है कि जेड इंटू जेड बार होगा, तो जेड इंटू जेड बार करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जेड वन बार माइनस का टू टाइम्स जेड टू बार इंटू, अगर हम इसका बार ले लें, इसका कॉन्जुगेट लिया जाए, तो मुझे लगता है कि जेड वन माइनस का टू जेड टू हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू सिमिलर टू माइनस का जेड वन इंटू जेड टू बार, और अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो टू का कॉन्जुगेट टू होगा माइनस ये जेड वन बार होगा इंटू जेड टू बार का बात करेंगे तो एज इट इज। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, जेड वन इंटू जेड वन बार हो जाएगा माइनस का टू जेड टू बार इंटू जेड वन हो गया माइनस टू टाइम्स जेड वन बार इंटू जेड टू होगा और प्लस का फोर टाइम्स जेड वन जेड टू इंटू जेड टू बार इज इक्वल टू देखा जाए, इज इक्वल टू देखते हैं फोर
माइनस टू टाइम्स जेड वन इंटू जेड टू बार माइनस टू जेड वन बार इंटू जेड टू और माइनस प्लस जेड वन इंटू जेड वन बार और जेड टू इंटू जेड टू बार। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कुछ कैंसिलेशन वगैरह होता है या नहीं होता है। तो टू जेड वन इंटू जेड टू बार ये कैंसिल हो जाएगा इससे, टू जेड वन बार ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मॉड जेड वन स्क्वायर, इसके बाद मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स मॉड जेड टू स्क्वायर माइनस फोर और प्लस माइनस, इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मॉड जेड वन स्क्वायर इंटू मॉड जेड टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखा जाए तो अगर हम इसमें और इससे अगर हम मॉड जेड वन स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा वन माइनस का मॉड जेड टू स्क्वायर और प्लस, या वन माइनस का फोर कॉमन ले लिया जाए यहाँ से तो वन माइनस का मॉड जेड टू स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू जीरो हो गया। मीन्स मॉड जेड वन स्क्वायर माइनस फोर एंड वन माइनस मॉड जेड टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो वी गेट जेड वन इज इक्वल टू टू वाइल जेड टू की वैल्यू वन नहीं है। बात समझ में आ गई, तो मॉड जेड वन की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग के पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं तो इन्हें अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए और अब हम लोग बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मॉडुलस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मॉड, ठीक है, हम लोग बात कर रखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द मॉड जेड वन एंड प्लस जेड टू, और जेड वन और जेड टू की वैल्यू रखी है। तो देखिए ग्रेटेस्ट और लिस्ट के बारे में बात की गई तो हम लोग को इनइक्वालिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी। ग्रेटेस्ट और लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट और लिस्ट के कंडीशन में। क्या आपको पता है कि जेड वन प्लस जेड टू अगर मैग्नीट्यूड दिया गया तो ये वैल्यू जो होगी वो जेड वन प्लस जेड टू से स्मॉलेस्ट होती है, लेस होती है, और ये वैल्यू ग्रेटर होती है मॉड ऑफ जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड टू से। ठीक है, इनइक्वालिटी के बारे में पता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि अगर जेड वन अगर दिया गया है तो जेड वन का मैग्नीट्यूड होगा फाइव, क्योंकि जेड की वैल्यू जो दे रखी है, जेड वन क्या दिया है थ्री प्लस फोर आयोटा तो इसका मैग्नीट्यूड फाइव, जेड टू की वैल्यू दे रखी है टू तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा टू। ठीक है, तो जेड वन का मैग्नीट्यूड फाइव, जेड टू का मैग्नीट्यूड टू। चलिए इस वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहाँ पे बहुत ईजिली आंसर मिल सकता है हमें, वैल्यू आएगी फाइव माइनस टू लेस इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू और विच इज लेस इक्वल टू फाइव प्लस टू, मीन्स वैल्यू आ गई थ्री लाई बिटवीन जेड वन प्लस जेड टू विच इज लेस इक्वल टू सेवन। तो ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू, तो दिस वन इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड दिस वन लिस्ट वैल्यू। बात समझ में आ गया, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपको इनइक्वालिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चंस इस पे आते हैं तो इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ जेड वन एंड जेड टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड ग्रेटर जीरो देन प्रूव दैट मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू होल स्क्वायर लेस इक्वल टू वन प्लस सी मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई सी मॉड जेड टू स्क्वायर। मतलब ये इनइक्वालिटी हमें प्रूफ करने की, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन, प्रूफ करना है जेड वन प्लस जेड टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर विच इज लेस इक्वल टू वन प्लस सी मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाय सी मॉड जेड टू स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो आपको पता है कि अगर हम देखें इसे जेड वन प्लस जेड टू मैग्नीट्यूड दिया गया है तो इसका मतलब है जेड वन बार प्लस जेड टू बार विच इज लेस इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो जेड वन स्क्वायर प्लस का सी टाइम्स मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस वन बाई सी मॉड जेड टू स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको दिखता है तो यहाँ पे ये बात आएगी कि जेड वन और जेड वन बार की वैल्यू होगी मॉड जेड वन स्क्वायर
मार्जिन स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, इसी टाइप से जेड टू का स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो जेड वन का मॉड स्क्वायर हो गया प्लस का जेड टू इंटू जेड वन बाद हो जाएगा प्लस जेड वन इंटू जेड टू बाद प्लस जेड टू इंटू जेड टू बाद मॉड जेड टू स्क्वायर विच इज लेस इक्वल टू अगेन मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस का सी मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस वन बाय सी जेड टू स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। बस समझ में आई, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी सी मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस वन बाय सी मॉड जेड टू स्क्वायर माइनस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड टू इंटू जेड वन बार विच इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो गया। अच्छा, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें इन मैग्नीट्यूड इस एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन को अगर कन्वर्ट करते हैं तो अच्छा ही मुझे ये बताइए कि इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, इन रूट सी जेड वन ठीक है माइनस वन बाय रूट सी जेड टू और इन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बिकॉज अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें यही क्वांटिटी मिलेगी। बात समझ में आ रही, हमें क्या मिलेगा, ये क्वांटिटी मिलेगी। अब अगर ये देखा जाए तो ये वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव है इन मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू क्या है ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव तो ये कंडीशन ट्रू है, मतलब दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू मीन्स ये कंडीशन आपको प्रूफ हो जाती है क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मीन्स ये कंडीशन इसको प्रूफ करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन मॉड जेड माइनस फोर बाई जेड इज इक्वल टू टू दिया गया देन मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वापस मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, तो हम लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो फिर से वही इनइक्वालिटी का केस आएगा। चलो, नोट कर लिया होगा आपने, मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करते हैं। मॉड जेड माइनस फोर अपॉन जेड इज इक्वल टू दिया गया है टू, हमें वैल्यू निकालनी है मॉड जेड की। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर देखा जाए जेड माइनस फोर अपॉन जेड, ये जेड वन मान लीजिए, इसे मान लिया हमने जेड टू है, जेड वन एंड जेड टू है, दिस वैल्यू ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल टू मॉड जेड माइनस फोर बाय जेड, ये होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि जेड वन माइनस प्लस सॉरी जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू का मैग्नीट्यूड ऑलवेज भी ग्रेटर इक्वल टू होता है जेड वन माइनस जेड टू के, ऑलवेज भी ग्रेटर और इक्वल टू होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इस कंडीशन को ये होल्ड करता है तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग टू यूज़ कर सकते हैं विच इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड जेड माइनस फोर बाई मॉड जेड हो जाएगा, मीन्स टू ग्रेटर इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर माइनस का फोर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होगा। ट्रांसफर कर लेते हैं तो मॉड जेड स्क्वायर माइनस टू टाइम्स मॉड जेड माइनस फोर विच इज लेस इक्वल टू जीरो। बस समझ आ रही, इसे ट्रांसफर किया, इसके बाद इसे इधर ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद फैक्टर देख लें तो मॉड जेड की वैल्यू जो होनी चाहिए थी, मॉड जेड की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मीन्स प्लस का 16 डिवाइड बाई टू ए, डिवाइड बाई टू ए हो गया तो यहाँ पर हो गया टू प्लस माइनस टू रूट फाइव डिवाइड बाई टू मीन्स इसकी वैल्यू आएगी वन प्लस माइनस रूट फाइव, मीन्स मॉड जेड की जो वैल्यू आएगी वो वन प्लस रूट फाइव और वन माइनस रूट फाइव के बीच में होगी बिकॉज लेस साइन है, क्या होगी लेस साइन, मतलब इसकी ग्रेटेस्ट जो वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है वन प्लस रूट फाइव, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है वन प्लस रूट फाइव, मीन्स ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड इज वन प्लस रूट फाइव।
ठीक है। तो आपको इस इनक्वालिटी को ध्यान रखना है कि z1 प्लस z2, अगर हम इसे प्लस ले लेते हैं, z1 प्लस z2 इज ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल टू z1 माइनस z2, ठीक है। तो आपको इससे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, तो इनक्वालिटी को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तब तक द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस कंडीशन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब जेड माइनस वन इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू जेड प्लस वन। अच्छा, बात हमने की थी डिस्टेंस फॉर्मूले की, मतलब जेड जो होता है, जेड एक पॉइंट है जो कि दूसरे पॉइंट से उसकी डिस्टेंस को शो करता है, दूसरे पॉइंट से इसकी डिस्टेंस को शो करता है। हमारे पास गिवन कंडीशन है, गिवन है इन मॉड जेड माइनस का वन इज इक्वल टू जेड प्लस का वन इज इक्वल टू जेड माइनस आयोटा। अगर हम लोग देख लें इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ये मान लीजिए जेड वन है, ये पॉइंट जेड टू है और ये पॉइंट जेड थ्री है, ठीक है। तो जेड वन की वैल्यू क्या है, जेड वन है वन, जेड टू माइनस वन, जेड थ्री आयोटा। मीन्स अगर इन पॉइंट्स को अगर कोऑर्डिनेट जब प्लेन पर हम प्लॉट कर लें तो ये पॉइंट आएगा वन वन कमा जीरो, दिस वन जेड वन, जेड टू आएगा माइनस वन, अगर हम यहाँ प्लॉट कर लेते हैं जेड टू माइनस वन कमा जीरो, और जेड थ्री को प्लॉट करते हैं जेड थ्री जीरो कमा वन, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वन है, ये भी वन है और ये भी डिस्टेंस वन है, ठीक है। अच्छा, हमें इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट ऐसा डिसाइड करना है जिसकी डिस्टेंस इन तीनों ही पॉइंट से सेम होनी चाहिए, जेड वन से, जेड टू से और जेड थ्री से। तो अगर तीनों से ही डिस्टेंस सेम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए। पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पे, क्योंकि इसके अलावा अगर हम इस पॉइंट को कहीं पे भी लोकेट करेंगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस सेम नहीं होगी। और अगर इसका जेड एक्सिस मान लेते, जनरली कोऑर्डिनेट इसमें 2D में, ये पूरा सिस्टम 2D का है, लेकिन अगर जेड एक्सिस होता तो जेड एक्सिस पे सारे पॉइंट्स हो सकते थे जिससे डिस्टेंस इक्वल हो सकते थे, लेकिन जनरली जेड है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल एक पॉइंट हो सकता है ओरिजिन, जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन इन पॉइंट से सेम होगी, मतलब देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज ओरिजिन, विच इज ओरिजिन, मतलब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो ओरिजिन से ही इक्वल हो सकती है, बाकी किसी पॉइंट से सेम नहीं होगी, ठीक है। तो इसे हमने किससे सॉल्व कर लिया, डिस्टेंस से, बात समझ में आ रही। तो पॉइंट को लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को अगर आप लोकेट करना सीखेंगे तो बहुत ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर टेंथ। If z1, z2, z3 are complex numbers such that mod z1 is equal to mod z2 is equal to mod z3 is equal to 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by z3 in magnitude is equal to 1 दिया हुआ है, then the value of in mod z1 plus z2 plus z3, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने इसे नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, इन मॉड जेड वन इज इक्वल टू मॉड जेड टू इज इक्वल टू मॉड जेड थ्री दिया गया है और इसकी वैल्यू वन दी गई है। तो अच्छा, हम लोग इसको इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, जेड वन स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड टू स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू वन कर सकते हैं, हो सकता है। अच्छा, अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब है कि हम इसे जेड वन इंटू जेड वन बाद लिख सकते हैं, ये जेड टू इंटू जेड टू बाद हो सकता है, इज इक्वल टू जेड थ्री इंटू जेड थ्री बाद हो सकता है, इसकी वैल्यू हो सकती है वन। मीन्स अगर हम चाहें तो जेड वन बार इज इक्वल टू लिख सकते हैं वन बाई जेड वन, ऐसे जेड टू बार इज इक्वल टू लिख सकते हैं वन बाई जेड टू, और जेड थ्री बार इज इक्वल टू हो सकता है वन बाई जेड थ्री, हो सकता है। बात समझ में आ रही, मॉड जेड वन इज इक्वल टू वन बाई जेड वन, जेड टू बार इज इक्वल टू वन बाई जेड टू और जेड थ्री बार इज इक्वल टू वन बाई जेड थ्री। अच्छा, हमें दिया क्या गया है कि वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 1 by z1 plus 1 by z2 plus 1 by z3 is equal to दिया गया 1, और वैल्यू हमें निकालनी किसकी, z1 plus z2 plus z3 की। अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है तो एक काम कर सकते हैं कि 1 by z1 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं z1 बार, इसकी जगह z2 बार प्लस z3 बार,
मीन्स ये इजीली आप हैंडल कर सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कंप्लीट वर्क अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट हो सकता है। और आपको ये पता है कि जेड का मैग्नीट्यूड और जेड बार का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसका मतलब है कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो इसे कंप्लीट कीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग तब तक डिस्कस कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिए। इफ 5Z2 अपॉन 7Z1 इज प्योरली इमेजनरी, ध्यान देखिएगा प्योरली इमेजनरी दिया हुआ है। क्या दिया गया है? प्योरली इमेजनरी। और प्योरली इमेजनरी का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल पार्ट से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये हो गया प्योरली इमेजनरी। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। ये नोट कर लिया, चलिए इरेज कर दिया। हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि 5Z2 डिवाइड बाय 7Z1 इज प्योरली इमेजिनरी। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो हम इसे 5Z2 डिवाइड बाय 7Z1 इज इक्वल टू आयोटा के कर सकते हैं, आयोटा के, क्योंकि बिकॉज ये जो है ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो सकता है Z2 बाई Z1 इज इक्वल टू 7iota k डिवाइड बाई 5 हो सकता है। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड द वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2Z1 प्लस का 5Z2 डिवाइड बाई 3Z2 डिवाइड बाई 2Z1 माइनस 3Z2। चलिए एक काम करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इसको हम Z2 बाई Z1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, Z2 बाई Z1 के फॉर्म में। तो मीन्स हम यहाँ से क्या करें, Z1 कॉमन निकाल लें तो ये आएगा 2 प्लस 3 टाइम्स Z2 बाई Z1 डिवाइड बाई Z1 कॉमन 2 माइनस 3Z2 बाई Z1 हो सकता है, हो सकता है। चलिए ये Z1 कैंसिल आउट हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड, ये हो सकता है 2 प्लस 3 टाइम्स Z2 बाई Z1 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग यहाँ से 7iota k डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 7iota k डिवाइड बाई 5। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। तो अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू है ये x प्लस iy फॉर्म में है और ये x माइनस iy फॉर्म में है। ध्यान से देखें, ये x प्लस 21/5iota k है, ये 2 माइनस 21iK डिवाइड बाई 5, मतलब ये जो वैल्यू है x प्लस iy टाइप से है और ये x माइनस iy टाइप से। और हमें ये पता है कि z का मैग्नीट्यूड और z बार का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मीन्स ये जो वैल्यू और इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो देयरफॉर दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चंस के ऊपर, तो अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है मॉड जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है मैक्स ऑफ इन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस 2 और इन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस 2 दिया हुआ है, देन हमें वैल्यू चेक करनी है कि विच वन इज करेक्ट। तो जनरली हमें पता है कि मॉडुलस के केस में तो कंपेयर हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेरिजन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि अगर इसका क्वेश्चन देखा जाए कि मॉड जेड की वैल्यू दी गई है मैक्सिमम ऑफ इन मॉड जेड माइनस 2 एंड मॉड जेड प्लस 2, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि अगर मैक्स मॉड जेड की वैल्यू मॉड जेड माइनस 2 के इक्वल है तो एक केस ये बन सकता है, एंड अ केस दूसरा बन सकता है कि इफ मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड प्लस 2, मीन्स जेड की वैल्यू इन दोनों में से मैक्सिमम जो है, तो हमने सपोज किया कि पहले मैक्सिमम ये है और सेकेंड टाइम मैक्सिमम ये है। अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे कंडीशन ये हो सकती है कि मॉड जेड का स्क्वायर हो सकता है और मॉड जेड माइनस 2 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अच्छा, मॉड जेड के स्क्वायर के लिए हम लोग लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार, और यहाँ पे आपको पता है कि जेड माइनस 2 हो सकता है और ये हो सकता है जेड बार माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे बात हो गई जेड इंटू जेड बार माइनस 2Z बार, ठीक है, एंड अ माइनस 2Z एंड अ प्लस 4, और ये हो गया Z इंटू जेड बार। नाउ
ये वैल्यू एक से कैंसिल हो सकती है और हमारे पास वैल्यू आ सकती है 2z bar + 2z इज इक्वल टू 4 एंड z + z bar इज इक्वल टू हो सकता है 2। ठीक है, तो z + z bar इज इक्वल टू क्या हो सकता है 2, मतलब हमारे पास ऑप्शन बी सही हो सकता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर इस कंडीशन को होल्ड किया जाती है तो मॉड जेड का स्क्वायर, अगेन मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो सकता है z + 2 इन मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं z × z bar इज इक्वल टू हो सकता है z + 2 एंड z bar + 2। ठीक है, तो यहाँ पे बात फिर से वही वापस कि z z bar + 2z bar + 2z + 4 और ये हो सकता है z × z bar कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी z + z bar इज इक्वल टू -2। ठीक है, z + z bar इज इक्वल टू 2 एंड z + z bar इज इक्वल टू -2। अच्छा, z + z bar इज इक्वल टू क्या हो सकता है, z + z bar इज इक्वल टू अगर देखा जाए कि अगर 2 आ गया है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू कैसे आ गई, रियल आ गई है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने ऐड किया जेड और जेड बार को, तो वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब यह है कि अगर जेड की वैल्यू x + i है तो x + i प्लस x - i इज इक्वल टू हो गया 2, मीन्स हो गया 2x = 2, सो x = 1। ठीक है, तो x वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया, मतलब ये जो वैल्यू है जेड एक रियल नंबर है, क्या हो सकता है, ये एक रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये है, या रियल नंबर हो सकता है, या इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, 0 आता है। मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस का इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 0, मीन्स एक ऑप्शन हमारे पास ये भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो हो सकता है वो बी हो सकता है और डी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। हाँ, तो बात हो रही थी कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने ऐड किया है तो z + z bar इज इक्वल टू क्या है, 2 आया, मतलब रियल आया है, मतलब उसके इमेजिनरी पार्ट का सम क्या होगा, 0 होगा, तो इमेजिनरी पार्ट का सम 0 है। ठीक है, चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और सेटिस्फाई करा इस कंडीशन को, मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स मॉड ऑफ जेड, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वैल्यू कैसे मेंशन की गई, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू आपको प्रॉपर्टी होल्ड कराएगी इनइक्वालिटी की, मीन्स अगर आपके पास कंडीशन दे रखी है मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स मॉड जेड, ठीक है, 4 टाइम्स मॉड जेड दिया हुआ है। चलिए, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इस कंडीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से कि जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, हो सकता है ऐसा। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इन मॉड जेड प्लस 1/z इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए, तो हमें बात करनी है मिनिमम ऑफ वैल्यू ऑफ मॉड जेड की, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड की, तो बात हम लोग कर सकते हैं कि मॉड जेड प्लस 1/z इज रिटर्न एज लेस इक्वल टू या ग्रेटर इक्वल टू इन मॉड मॉड जेड माइनस 1/z, हो सकता है, ये प्रॉपर्टी यूज की हुई है हम लोगों ने इनइक्वालिटी की कि मॉड ऑफ मॉड जेड 1 माइनस मॉड जेड 2 इज ऑलवेज बी लेस इक्वल टू मॉड ऑफ जेड 1 प्लस जेड 2। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया। अच्छा, इस वैल्यू की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 4, और ये वैल्यू हो सकती है ग्रेटर इक्वल टू इन मॉड मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1/ मॉड जेड। ठीक है, चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स मॉड जेड विच इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, तो वैल्यू आ जाएगी मॉड जेड स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड जेड माइनस 1 विच इज लेस इक्वल टू 0। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया इसको, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग
फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मॉड जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, मॉड जेड की वैल्यू हो सकती है 4 प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी का मतलब 16 माइनस 4 ए सी मीन्स प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 टू ए, वैल्यू हो गई 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाय 2, यह भी मॉड जेड की वैल्यू। इम्प्लाइज दैट वैल्यू हो सकती है 2 प्लस माइनस रूट 5, ठीक है, मॉड जेड की वैल्यू क्या हो सकती है 2 प्लस माइनस रूट 5, और इसको अगर हम नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी 2 माइनस रूट 5 और 2 प्लस रूट 5। साइन कैसा है, साइन है लेस देन का, तो हमें लेना होगा प्लस माइनस प्लस, मतलब ये निगेटिव पार्ट। और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 2 माइनस रूट 5, तो मिनिमम ऑफ मॉड जेड इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5, दिस वन इज द आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस प्रॉपर्टी के बाद हमने कई क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ जेड वन एंड जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आयोटा जेड वन प्लस जेड टू अपॉन आयोटा जेड वन माइनस जेड टू इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, देन मैग्नीट्यूड जेड वन बाई जेड टू इज, आपको देखना है ये रियल है या जीरो है, या रियल नंबर है या इमेजिन नंबर है या नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, तो बात हो रही है, हमारी गिवन कंडीशन है कि आयोटा जेड वन प्लस जेड टू डिवाइड बाई आयोटा जेड वन माइनस जेड टू इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 दिया गया है, इज इक्वल टू 1 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आई जेड वन प्लस का जेड टू कर सकते हैं इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो सकता है आयोटा जेड वन माइनस जेड टू। ठीक है, अगेन प्रॉपर्टी आपको पता है, मॉड है, स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करते हैं तो अगर हमारे पास देखा जाए तो आयोटा जेड वन प्लस का जेड टू देन आयोटा बाद जेड वन प्लस का जेड टू बाद इज इक्वल टू हो सकता है आयोटा जेड वन माइनस का जेड टू एंड देन आयोटा बाद जेड वन बाद माइनस का जेड टू बाद। ठीक है, चलिए, तो बात हो सकती है आयोटा जेड वन प्लस का जेड टू एंड आयोटा बाद की वैल्यू, आयोटा बाद माइनस आयोटा जेड वन बाद प्लस जेड टू बाद इज इक्वल टू आयोटा जेड वन माइनस जेड टू, और ये हो सकता है माइनस का आयोटा जेड वन बाद माइनस जेड टू बाद। चलिए, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी माइनस का आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर मीन्स, हाँ तो बात कर रहे थे हम लोग कंजुगेट की प्रॉपर्टी यूज हो गई है, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसे, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर हो गया, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर वैल्यू होती है 1, मतलब हो गया जेड वन इंटू जेड वन बाद, इसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ हो सकती है माइनस का आयोटा जेड वन बाद इंटू जेड टू प्लस आयोटा जेड वन इंटू जेड टू बाद, मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो प्लस का जेड टू इंटू जेड टू बाद इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आयोटा स्क्वायर अगेन, तो ये होगा जेड वन इंटू जेड वन बाद, मल्टीप्लाई किया तो प्लस का आयोटा जेड टू इंटू जेड वन बाद हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस का आयोटा जेड वन इंटू जेड टू बाद और प्लस का जेड टू इंटू जेड टू बाद। ठीक है, जेड टू इंटू जेड टू बाद एंड जेड वन इंटू जेड टू बाद ये कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन देख लेते थोड़ा, आयोटा जेड वन इंटू जेड टू बाद है, यहाँ पे माइनस का आयोटा जेड वन इंटू जेड टू बाद है, ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा टू टाइम्स आयोटा जेड वन इंटू जेड टू बाद इज इक्वल टू हो जाएगा, इसे ट्रांसफर कर हम इधर कर लें तो टू आयोटा जेड वन बाद इंटू जेड टू हो सकता है, तो टू आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास जेड वन इंटू जेड टू बाद इज इक्वल टू हो सकता है जेड वन बाद इंटू जेड टू। ठीक है, अच्छा एक काम और किया जा सकता है कि अगर हमें उनके पास ये वैल्यू आ चुकी है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम इसे लिख सकते हैं जेड वन इंटू जेड टू बाद इज इक्वल टू लिख सकता है जेड वन इंटू जेड टू बाद का कंप्लीट बाद। ठीक है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ देखें तो कंडीशन एक चीज़ हमको याद होगी, जेड इंटू जेड बाद अगर ऐसी कंडीशन है, जेड इज इक्वल टू जेड बाद अगर कंडीशन ऐसी है तो जेड क्या होता है, जेड इज अ प्योरली रियल नंबर, जेड इज प्योरली रियल, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो जेड वन इंटू जेड टू बार इज प्योरली रियल,
जे डी टू जेड वाई कैसे आ गया, प्योरली रियल आ गया। अच्छा अगर ये रियल आ चुका है तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, जेड वन जेड टू बार डिवाइड बाई मॉड ऑफ जेड टू। नहीं, इसको इस टाइप से अरेंज नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं जेड वन, और एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या था, हमें चाहिए था जेड वन बाई जेड टू। जेड वन बाई जेड टू कैसा नंबर होगा, तो जेड वन बाई जेड टू चाहिए मुझे, तो इसके लिए काम कर सकते हैं कि जेड वन कर लिया हमने, यहाँ जेड टू बार इंटू जेड टू कर लिया, डिवाइड बाई जेड टू कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जेड वन बाई जेड टू हो सकता है, और ये मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर हो जाएगा। दिस वन इज अ रियल नंबर, दिस वन क्या होगा, रियल नंबर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू थी ये प्योरली रियल थी। सेम चीज़ हमने यहाँ लिखी, मतलब ये प्योरली रियल होगा, मतलब ये जो वैल्यू है रियल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वैल्यू आनी चाहिए, ये वैल्यू कैसे आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। ये नंबर कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट जेड वन बाई जेड टू इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पे जस्ट वही प्रॉपर्टी, मॉड की प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है और इसको टैकल कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आप इसे नोट कर लीजिए और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कंडीशन देखिए, इफ लॉग ऑफ बेस 10 30 इज इक्वल टू टाइम्स मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मॉड जेड माइनस थ्री अपॉन मॉड जेड प्लस वन इज लेस देन माइनस टू दे रखा है, देन मॉड जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बेस किस पे कर रहा है, लॉग, इसका बेस 10 30। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, लॉग बेस 10 30 इन ब्रैकेट 2 टाइम्स मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड जेड माइनस 3 डिवाइड बाई मॉड जेड प्लस 1 विच इज लेस देन माइनस 2। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला काम लॉग को एलिमिनेट करते हैं। लॉग को एलिमिनेट करने का तरीका आपको पता होगा कि अगर लॉग का बेस ए पी है और ग्रेटर क्यू है, और ए की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो पी इज लेस देन ए रेज़्ड टू पावर क्यू होता है, की होता है, और साइन यहाँ पे चेंज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 10 30 जो दे रखा है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और 10 30 1/√3 है, इसका मतलब सीधा सा है कि साइन चेंज होगा। तो लॉग को हम लोग इलिमिनेट करते हैं, और हमारे पास कंडीशन आएगी 2 times mod z square plus 2 times mod z minus 3 divided by mod z plus 1 which is greater than साइन चेंज हो गया। 10 30 बेस होगा तो 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3 और इसकी पावर जाएगी माइनस टू। ठीक है, चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 times mod z square plus 2 times mod z minus 3 डिवाइड बाई मॉड जेड प्लस वन, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी 3। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो इसे हम माइनस 3 कर सकते हैं और ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, 1/√3 का तो रेसिप्रोकल √3 का स्क्वायर, देन वैल्यू 3 ट्रांसफर कर लिया। चलिए तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आएगी मॉड जेड प्लस 1 और ये वैल्यू आएगी 2 mod z square plus 2 times mod z minus 3 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज अभी टोटल पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो ये वैल्यू इधर रिमूव हो सकती है, और हमें मिलेगा 2 times mod z square minus mod z minus 6 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए अब इसका फैक्टर, तो 2 mod z square minus 4 mod z plus 3 mod z minus 6 विच इज ग्रेटर देन 0। तो 2z कॉमन हो सकता है, तो ये होगा मॉड जेड माइनस 2 और प्लस 3 कॉमन, तो मॉड जेड माइनस 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू आएगी 2 times mod z plus 3 and mod z minus 2 विच इज ग्रेटर देन 0,
हमारा वैल्यू जो आएगी नंबर लाइन पर, वैल्यू आएगी माइनस थ्री बाई टू एंड वैल्यू आएगी टू, और हमें लेना क्या होगा आउटर पार्ट, लेना क्या होगा आउटर पार्ट। तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी बिकॉज ऑफ नेगेटिव वैल्यू आ गई है और मॉडरेट नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर मॉडरेट नेगेटिव नहीं हो सकता तो मॉडरेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब है कि मॉडरेट इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन टू होगा। मॉडरेट क्या होगा ग्रेटर देन टू होगा। तो बात समझ में आई। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लॉग का बेस अगर वन से छोटा होता है तो इसे अगर हम लॉग को एलिमिनेट करते हैं तो साइन चेंज होता है। अगर यही चीज़ इस टाइप से होती कि लॉग का बेस ए पी ग्रेटर देन क्यू होता और ए की वैल्यू वन से बड़ी होती, इस केस में पी ग्रेटर देन ए रेज़ टू पावर क्यू होता। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो लॉग को एलिमिनेट करते समय आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और कंडीशन दे रखी है कि ए बी सी जो नंबर्स हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं और ए लेस देन बी और लेस देन सी दिया हुआ हैज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स जेड वन जेड टू। जेड वन जेड टू कैसे हैं, रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट कॉम्प्लेक्स होता है, क्वाड्रेटिक में रूट अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो उस केस में एक अल्फा प्लस आई बीटा होता है, दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा होता है, कॉन्जुगेट होता है। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर जेड वन की वैल्यू अगर मान लीजिए अल्फा प्लस आई बीटा आपने एज्यूम किया है तो इसका मतलब है कि इसका दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा, अल्फा माइनस आई बीटा होगा। अब बात करते हैं कंडीशन की कि आपको वैल्यू निकालनी है मॉड जेड के रिस्पेक्ट में। वैल्यू क्या निकालनी है मॉड जेड के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें दो कंडीशन हो सकती है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब ये हो गया कि जेड वन इंटू जेड टू अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट होते ही सी अपॉन ए, क्योंकि इक्वेशन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, और हमारे पास कंडीशन भी दे रखी है कि जीरो लेस देन ए लेस देन बी लेस देन सी। इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो सी अपॉन ए, अगर देखा जाए तो सी अपॉन ए की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन वन होगी। सी अपॉन ए क्या होगा, वन से बड़ा होगा। अगर सी अपॉन ए वन से बड़ा है तो इसका मतलब है कि जेड वन बाई जेड टू की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए, वन से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जेड वन जो दे रखा है इंटू जेड टू दे रखा है तो इसकी वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, वन से बड़ी हो जानी चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, वन से बड़ी। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब ही जेड वन है, अदरवाइज इसे हम जेड टू भी लिख सकते हैं। तो जेड टू की वैल्यू क्या है, वन से बड़ी है। इसका मतलब सीधा सा है कि जेड वन वन से बड़ा है, जेड टू भी वन से बड़ा है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। ये कंडीशन आपको यहाँ पे जो गिवन है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ओके, चलिए तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलो बेटा, तो बात करते हैं हम लोग अब कुछ और क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ मॉडल्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ जेड प्लस रूट ऑफ टू इन मॉड जेड प्लस वन प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो, देन जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जस्ट एक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, जेड की वैल्यू को हम लोग को रिप्लेस करना होता है, और जेड की जगह क्या यूज़ करना होता है, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई। चलिए तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें वैल्यू दी गई है जेड प्लस रूट टू टाइम्स इन मॉड ऑफ जेड प्लस वन प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो। तो जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस का आयोटा वाई प्लस का रूट टू टाइम्स, और ये जो वैल्यू है इन मॉड के अंदर ये वैल्यू आएगी इन रूट ऑफ, इस टाइप से नहीं करते हैं, मॉड के अंदर पुट कर देते हैं, एक्स प्लस का वन प्लस का आयोटा वाई मॉड प्लस का आयोटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए एक्स प्लस का आयोटा वाई हो गया प्लस रूट टू टाइम्स, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते तो ये आएगा इन रूट ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में। ठीक है ना, रियल पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि रियल पार्ट एक्स है और जे वैल्यू है। तो कंपेयर किया जाए, कंपेयर
रियल एंड इमेजरी पार्ट, कंपेयर कर लें। तो कंपेयर किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई x प्लस इन रूट टू इन रूट ऑफ x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एंड इमेजरी पार्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो इमेजरी पार्ट की वैल्यू है आयोटा y प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो, सो y इज इक्वल टू आएगा माइनस वन, और इमेजरी पार्ट मीन्स y प्लस वन आयोटा से इंडिपेंडेंट, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन आ गई। अगर y की वैल्यू हम माइनस वन सब्सटीट्यूट करें यहाँ पर, तो y की जगह अगर हमने माइनस वन सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमें वैल्यू मिलेगी पुट y इज इक्वल टू माइनस वन, तो वी गेट x प्लस इन रूट ऑफ टू इन रूट ऑफ x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो वी गेट x इज इक्वल टू माइनस रूट टू इन रूट ऑफ x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन। चलिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करने के बाद वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वन टू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम ट्रांसफर कर लेंगे टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, और ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जेड की जगह एक्स प्लस वाई आई वाई रिप्लेस करना है और वैल्यू को एज इट इज सॉल्व कर लेना है, कंपेयर करना है रियल और इमेजरी पार्ट को, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम बात तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ इफ आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू जीरो देन सो दैट मॉड जेड इज इक्वल टू वन, मतलब ये भी एक इक्वेशन हो गई और हमें यहाँ पे जेड की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, चलिए तो तब तक हम लोग इसे रीज कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस का आयोटा इज इक्वल टू जीरो। अब जनरली अगर आप देखें तो ये क्यूबिक इक्वेशन टाइप का दिख रहा है, क्यूबिक इक्वेशन है, और इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो हमें जेड की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो इसको हम लोग इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं देखते हैं। इसको एक सिंपल सा काम कर लेंगे, x आयोटा जेड क्यूब दे रखा है, अच्छा यहाँ पर जेड स्क्वायर जो दिया गया है इसकी जगह अगर हम माइनस का आयोटा स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर लगा दें तो कोई दिक्कत है क्या? आयोटा स्क्वायर माइनस वन और माइनस प्लस, ठीक है, माइनस जेड प्लस आयोटा कर दिया गया जी, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो आयोटा और जेड स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर जेड माइनस आयोटा, बात समझ में आ रही, आयोटा जेड स्क्वायर यहाँ से कॉमन तो जेड स्क्वायर जेड और माइनस का आयोटा, और यहाँ से माइनस वन कॉमन तो यहाँ से आएगा जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू जीरो। मीन्स ये फैक्टर हो गया जेड माइनस का आयोटा और ये हो गया आयोटा जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मीन्स मुझे मिलेगा यहाँ से जेड माइनस का आयोटा इज इक्वल टू जीरो और आयोटा जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो जेड इज इक्वल टू हो गया आयोटा, जेड की वैल्यू क्या आ गई आयोटा आ गया। अगर हम यहाँ से जेड का मैग्नीट्यूड निकालें तो इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन आ जाएगी। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, जेड स्क्वायर की वैल्यू आएगी वन अपॉन आयोटा, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी वन अपॉन आयोटा। अगर वन अपॉन आयोटा है तो इसका मतलब है कि माइनस का आयोटा है, क्या हो गया माइनस आयोटा, क्योंकि अगर हमने आयोटा अपॉन आयोटा कर दिया तो नीचे आयोटा स्क्वायर ऊपर आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आयोटा से क्या क्या होगा माइनस वन, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा, तो मतलब जेड की वैल्यू आएगी इन रूट ऑफ माइनस आयोटा, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी इन रूट माइनस आयोटा, तो हमें पास मैग्नीट्यूड ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई, और हमें यही प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जनरली अगर हम लोग इसको भी देखें तो इसका भी मैग्नीट्यूड किया जाए तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या जाएगी वन आ जाएगी, मॉड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी वन आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हमने बात मॉड की नहीं की है, यहाँ से ही मॉड की वैल्यू निकल आई, तो हमें ये इजी हो गया।
समझ में आ गया, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हमने, माइनस का आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इससे इजी फैक्टर बन सकता है। ठीक है, इसके और भी मेथड हो सकते हैं लेकिन सबसे इजी मेथड ये है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा, चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ जेड प्लस वन अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्रूव दैट मॉड जेड इज इक्वल टू 1। आपको मॉड जेड की वैल्यू 1 प्रूफ करनी है, एंड आपको यह भी प्रूफ करना है इन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड रेज़्ड पावर 2n माइनस 1 अपॉन जेड रेज़्ड पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 10n थीटा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, इसीलिए हमने काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए हैं कि आपको प्रैक्टिस हर एक टाइप के क्वेश्चंस की मिल जाएगी, और आप इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हैंडल कर लेंगे। चलिए तो हमें दिया गया है जेड प्लस का 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ठीक है, जेड प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, हमें प्रूफ करना मॉड जेड इज इक्वल टू 1, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी आएगी जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें इस टाइप की इक्वेशन मिल सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ से अगर हम जेड की वैल्यू निकालना चाहें तो जेड की वैल्यू आएगी 2 कॉस थीटा प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 ए सी डिवाइड बाई 2a। बात समझ में आ गई, सिंपल। चलिए तो यहाँ से आएगा 2 cos थीटा प्लस माइनस, देखिए यहाँ से 4 है कॉमन निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर अगर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा बाहर, और माइनस 1 होगा तो आयोटा डिवाइड बाई 2। मीन्स ये हो सकता है cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, जेड की वैल्यू क्या आ गई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग किसी एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, ई रेज़्ड टू पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा, आपको याद होगा यूलर फॉर्म होता है, क्या होता है यूलर फॉर्म। ठीक है, और इसका हमेशा मैग्नीट्यूड जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड ई रेज़्ड टू पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज भी 1 होता है। ए पावर आई थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है हमेशा, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है। चलिए तो ये तो बहुत इजी हो गया, हमने मॉड जेड की वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। चलिए तो इसके बाद बात करते हैं, इसके आगे हमें दिखाना है मॉड ऑफ जेड रेज़्ड पावर 2n माइनस 1 अपॉन जेड रेज़्ड पावर 2n प्लस 1, इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। जेड रेज़्ड पावर 2n का मतलब हो जाएगा, अगर हम लोग ने अगर जनरली ले लिया जेड इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा। ठीक है, इसको ही टैकल करके देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो जेड रेज़्ड पावर 2n की वैल्यू हो जाएगी ई रेज़्ड पावर आयोटा के साथ 2n थीटा, ठीक है माइनस 1 डिवाइड बाई ई रेज़्ड पावर आयोटा के साथ 2n थीटा प्लस 1। बात समझ में आ रही, ठीक है ना, जेड पावर 2n का मतलब ई रेज़्ड पावर आयोटा 2n थीटा। चलिए इसके आगे किस स्टेप में कर देखते हैं, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, और ये हो सकता है माइनस 1 डिवाइड बाई कॉज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा प्लस 1, ओके इन मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही, चलिए तो अब इसके बाद अगर बात करें हम लोग तो कॉज एन थीटा माइनस 1, अगर आपको ये दिख रहा होगा कॉज एन थीटा माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है, तो 1 माइनस कॉज एन थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2, तो इसको हम लोग माइनस में ले सकते हैं माइनस 2 साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइड बाई 2, और प्लस आयोटा साइन एन थीटा को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें, साइन एन थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज एन थीटा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई सेम माइनस नीचे की वैल्यू को भी 1 प्लस कॉज एन थीटा है, इसका मतलब है हम इसे लिख सकते हैं 2 कॉज स्क्वायर एन थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन एन थीटा की जगह, और यहाँ पे देखिए 2 एन थीटा था तो हमें यहाँ पे 2 एन यूज करना था, यहाँ पर 2 एन यूज करना था, ठीक है, और यहाँ पे एन थीटा आएगा, सॉरी क्या आएगा एन थीटा, हाफ एंगल का फॉर्मूला नहीं लगेगा,
ठीक है, एन थीटा हो जाएगा। और टू साइन साइन टू थीटा की वैल्यू टू आयोटा साइन एन थीटा और कॉज एन थीटा, ठीक है, और ये भी मैग्नीट्यूड के अंदर थे। ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ देखते हैं माइनस दिया हुआ है, माइनस का मतलब हो सकता है आयोटा स्क्वायर, और देन इसके बाद हम लोग इसको कुछ कॉमन वगैरह निकाल करके इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसको आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया, चलिए तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हमने इरेज कर लिया। ठीक है, चलिए तो इसके बाद बात करते हैं, देखिए माइनस के लिए क्या कर सकते हैं, माइनस का आयोटा स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे जो बात आएगी वो आयोटा स्क्वायर आएगी, और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस टू आयोटा साइन एन थीटा कॉज एन थीटा हो चुका है, डिवाइड बाई अगर देखा जाए यहाँ पे तो टू कॉज स्क्वायर एन थीटा प्लस का टू आयोटा साइन एन थीटा कॉज एन थीटा है इन मैग्नीट्यूड। चलिए न्यूमरेटर से अगर देखें तो आयोटा के साथ, और यहाँ पे टू भी था, आयोटा के साथ टू आयोटा साइन एन थीटा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो टू आयोटा साइन एन थीटा कॉमन लिया, तो यह वैल्यू आ गई कॉज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ देखते हैं टू कॉज एन थीटा मुझे कॉमन मिल सकता है, तो वैल्यू आएगी यहाँ से कॉज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इन मैग्नीट्यूड। इन मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, टू से टू कैंसिल हो सकता है, हमारे वैल्यू आएगी आयोटा के साथ टेन एन थीटा। ठीक है, और अगर आयोटा के साथ अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो इसकी वैल्यू आएगी टेन एन थीटा इन मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो गया, क्योंकि यूलर फॉर्म से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। और मालूम है आपको यूलर फॉर्म क्या होता है, ई रेज़ टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपको इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, समझ में आता? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इक्वेशन है, प्रूफ करना आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और पॉलिनोमियल जो है वो डिविजिबल बाय दिस है, और डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आप लोगों ने क्लास नाइन्थ वगैरह में भी देखी है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं कि हम लोग इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, और उसके इक्वेशंस जो भी रूट्स होते हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर रूट सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो डिविजिबल होगा दैट फंक्शन से। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो एक्चुअली दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर हम इसका फैक्टर देखें तो इसका सिंपल सा फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, और प्लस का एक्स प्लस वन आ जाएगा। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन अगर इस वैल्यू को देखा जाए और इक्वल टू जीरो ले देते हैं, तो इसके वैल्यू जो आएंगी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन, और यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, रूट्स आ गए हमारे पास, एंड अ गिवन एक्सप्रेशन, गिवन क्या दिया है एक्स रेस्ट पावर फोर पी प्लस एक्स रेस्ट पावर फोर क्यू प्लस वन प्लस एक्स रेस्ट पावर फोर आर प्लस टू एक्स रेस्ट पावर फोर एस प्लस थ्री। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो सिंपल सा है कि एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ अगर पुट किया माइनस वन रेस्ट पावर फोर पी प्लस माइनस वन रेस्ट पावर फोर क्यू प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन रेस्ट पावर फोर आर प्लस टू प्लस माइनस वन रेस्ट पावर फोर एस प्लस थ्री। अब इसी बात है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू निगेटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू निगेटिव, आंसर जीरो। मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज अ फैक्टर फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन।
ठीक है। तो इसी टाइप से आप x की जगह आयोटा, x की जगह माइनस आयोटा पुट करके आप इसे चेक कर लेंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसको कम्प्लीटली डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसके आगे हम ट्राई नहीं करते, आप इसे खुद कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ तक की बात कर ली है, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो मिनिमम मैक्सिमम के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मिनिमम और मैक्सिमम की बात होती है तो मॉड जेड प्लस जेड माइनस का फाइव आयोटा, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, और जब इनइक्वालिटी के बारे में, जब मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बात होती है, जब भी मिनिमम वैल्यू के बारे में बात होती है या मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें कि अगर फाइव आयोटा कहीं दिया गया है, ठीक है ना, देखा जाए फाइव आयोटा का कहीं दिया गया, तो इसको हम लोग कुछ स्टेप्स लिख सकते हैं क्या, जेड प्लस फाइव आयोटा माइनस जेड हो सकता है, सिंपल ऐसा हो सकता है। इसका मतलब सीधा सा है कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज बी लेस इक्वल टू, दिस वैल्यू इज ऑलवेज बी लेस इक्वल टू मॉड जेड प्लस फाइव आयोटा माइनस जेड हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये लेस इक्वल टू मॉड जेड हो जाएगा, और प्लस का इसको हम लोग जल्दी जेड माइनस का फाइव आयोटा अगेन लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू फाइव के बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, फाइव है। तो बहुत आसान से तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू फाइव होगी, वैल्यू क्या होगी इसकी, फाइव होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। ठीक है, आसान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इधर। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे पास थोड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड माइनस वन, जेड माइनस टू, जेड माइनस थ्री, जेड माइनस फोर एंड मॉड जेड माइनस फाइव इज। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मॉडुलस लगे हुए हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे इस क्वेश्चन को हम डिस्टेंस से सॉल्व करने की, कि अगर मान लीजिए कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिसकी डिस्टेंस वन पॉइंट से, वन कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो, थ्री कॉमा जीरो, फोर कॉमा जीरो और फाइव कॉमा जीरो, तो जेड जो होता है वो जेड कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हैं। तो जेड से वन तक की डिस्टेंस, जेड से टू की डिस्टेंस, जेड से थ्री की डिस्टेंस, जेड से फोर की डिस्टेंस और जेड से फाइव की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंसेज हैं ये डिस्टेंसेज मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में जब भी मैक्सिमम का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डिस्टेंसेज हमेशा इन्फिनिटी होती है, ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंसेज क्या होंगी, इन्फिनिटी होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो ये जेड जो होगा वो कहाँ प्लॉट हो सकता है, जेड कहाँ प्लॉट हो सकता है जिससे कि डिस्टेंस मिनिमम होगी। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए ये जेड पॉइंट को अगर हम कहीं यहाँ प्लॉट कर लें, इसको यहाँ प्लॉट कर लिया, तो जेड से यहाँ तक की डिस्टेंस वन, यहाँ तक की डिस्टेंस टू, तो वन, ये डिस्टेंस भी वन है, ये डिस्टेंस वन वन, मतलब वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, मतलब अगर हमने जेड को यहाँ प्लॉट किया तो हमारी डिस्टेंस कम से कम टेन होगी। लेकिन अगर इसी जेड को अगर हमने यहाँ प्लॉट कर लिया, लोकेशन अगर हमने जेड की थ्री कॉमा जीरो पर दे दी, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस देखी जाए तो यहाँ से डिस्टेंस वन, ये डिस्टेंस टू, तो टू प्लस वन थ्री और थ्री प्लस थ्री सिक्स, तो ये जो डिस्टेंस होगी जब जेड को अगर हम यहाँ प्लॉट करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंसेज मेजर करेंगे वो डिस्टेंस सबसे लीस्ट होगी, इम्प्लाइज दैट जेड लाई ऑन थ्री कॉमा जीरो, देन डिस्टेंस शुड बी मिनिमम और इज इक्वल टू सिक्स।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी बहुत सारे मैग्नीट्यूड लगे होते हैं, बहुत सारे मॉडुलस लगे हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कोशिश ये करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने पिछला भी क्वेश्चन किया था कि जेड मॉड जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस फाइव आयोटा की वैल्यू हमें दिखानी थी मिनिमम, तो उसको भी आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं और ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि मॉड ऑफ जेड प्लस टू आयोटा लेस इक्वल टू वन, जेड वन की वैल्यू सिक्स माइनस थ्री आयोटा, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, फिर से वही काम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो आपको मालूम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। चलिए तो बात कर लेते हैं कि हमें वैल्यू जो निकालनी है वो एक्चुअली निकालनी है आयोटा जेड प्लस जेड वन माइनस फोर। चलिए तो पहले तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आयोटा जेड प्लस जेड वन की जगह जो हो सकता है वो हो सकता है सिक्स माइनस थ्री आयोटा और माइनस का फोर्थ, मीन्स ये जो वैल्यू होगी वो आयोटा जेड होगी और प्लस टू माइनस थ्री आयोटा, ठीक है। हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें जो कंडीशन जो गिवन है वो जेड प्लस टू आयोटा दी हुई है, जेड प्लस टू आयोटा, ठीक है। तो जब भी आपको मैग्नीट्यूड का इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम इसको जो गिवन फॉर्मेट में है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो गिवन फॉर्मेट जेड प्लस टू आयोटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आयोटा के साथ जेड है तो मुझे आयोटा को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम आयोटा रिमूव करते हैं, आयोटा रिमूव करते हैं। तो आयोटा को रिमूव करने का सिंपल सा तरीका कि हमने कर दिया आयोटा के साथ जेड, यहाँ आयोटा नहीं है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे माइनस का आयोटा इसका इंट्रोड्यूस कर लेंगे और टू लिख देंगे और माइनस का थ्री आयोटा, ठीक है ना। अब हम आयोटा बाहर निकालते हैं, आयोटा बाहर निकालो तो वैल्यू क्या होगी, जेड माइनस थ्री और माइनस टू आयोटा, ठीक है। तो आयोटा का मैग्नीट्यूड वन, आयोटा का मैग्नीट्यूड वन, और हमारे पास जो वैल्यू एक्चुअल में आनी चाहिए थी वो जेड प्लस टू आयोटा आनी चाहिए थी। तो हम इसको और भी कन्वर्जन कर देंगे, जेड प्लस टू आयोटा हमने अपने मन से लिख दिया, जेड प्लस टू आयोटा। अगर जेड प्लस टू आयोटा हो गया है तो हमें यहाँ पर माइनस टू आयोटा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो मतलब माइनस का थ्री माइनस फोर आयोटा करना होगा, ठीक है। और एक्चुअल में वैल्यू जो दी गई थी वो ये दी गई थी जेड प्लस टू आयोटा, क्या दिया गया, जेड प्लस टू आयोटा। तो हमने ये पूरा प्रोसेस किया इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर ये फॉर्म कन्वर्ट हो गया तो इसके बाद तो बहुत सिंपल हो जाता है कि अगर ये जेड वन है और ये जेड टू है तो हमारे पास तरीका ये है कि हम इसको लेस इक्वल टू लिख सकते हैं जेड प्लस का टू आयोटा प्लस इन मैग्नीट्यूड माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा, बहुत सिंपल। चलिए तो ये जो वैल्यू थी वो ऑलरेडी हमारे पास यही वैल्यू है, इसी को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, तो वैल्यू आएगी लेस इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को दी गई है वन, तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं वन प्लस ये जो वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड होता फाइव, मीन्स जो गिवन कंडीशन थी इन मैग्नीट्यूड आयोटा जेड प्लस जेड वन माइनस फोर विच इज ऑलवेज बी लेस इक्वल टू सिक्स। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझ लीजिए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि अब हम लोग मॉडुलस की प्रॉपर्टी का एंड कर रहे हैं, ठीक है ना। मॉडल्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे वो इतने ही वैरायटीज के हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वैरायटी के नहीं बनते हैं, ठीक है। और अगर और भी अच्छे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे करेंगे जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की बात प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने केवल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स, मतलब इसमें केवल मॉडल्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो केवल मॉडल्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें और भी कोई प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं की है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और हम लोग इसके बाद बात करेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में, ठीक है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो आर्ग्यूमेंट के बारे में हम लोग पहले प्रॉपर्टीज सीखेंगे, देन उसके बाद उसके ऊपर बेस्ट एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। देन तब तक आप इसे नोट कर लीजिए और हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।